Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. आपकी देवी मनसा को देखने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वसुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। किंतु पिताजी तो बहुत हटी है, उन्हें मनाना तो आप भी कहाँ सरलता से पराजय स्वीकार करने वालों में से हैं। मुझे विश्वास है कि आप कदापि विफल नहीं होंगी। अब चले, अन्यथा पिताजी बुरा मानेंगे। जी स्वामी। मैं आशीर्वाद देकर आ गया। नहीं जा सकी मैं गणेश, स्वयं आशीष देकर उसके लिए दुर्भाग्य का द्वार खोलना मेरे लिए संभव नहीं था, और मैं अभी भी तो उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। पुत्री मनसा, बिहुला लखिंदर को देवी माता के मंदिर ले जाने में सफल रही। संभव है कि ये एक आरंभ है। जिस तरह से उसने लखिंदर का हृदय परिवर्तन किया, उसी प्रकार वो चंद्रधर का भी हृदय परिवर्तन कर सकेगी, और उसे भी तुम्हारी पूजा के लिए प्रेरित करेगी। मेरी पुत्र वधु ही नहीं, मेरी पुत्री भी हो। मैं भी तुम्हारे पिता के समान ही हूं। जिस प्रकार मेरे मित्र साह ने अपनी पुत्री की हर इच्छा का मान रखा है, उसी प्रकार तुम्हारा ये पिता भी तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। बताओ पुत्री अपनी इच्छा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मांग लो पुत्री, संकोच मत करो। पिताजी, अपने पति की दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। पिताजी, मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है, क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप मुझे उनकी पूजा करते हुए देख पाएंगे? मुझे आपकी इच्छा ज्ञात हो गई है पिताजी, उचित है। अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी पूजा का क्या फल मिलेगा मुझे, और यहाँ पे आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। आपकी इच्छा अनिच्छा का सम्मान करना ही मेरा कर्तव्य है। तो फिर वो मत मांगो पुत्री, जो ये पिता तुम्हें नहीं दे सकता। पुत्री, क्या देवी मनसा ने तुम्हें भयभीत कर यहाँ भेजा है? भय मत करो पुत्री, बिल्कुल भी डरो मत। ये महादेव के परम भक्त का घर है। मेरी भक्ति की शक्ति के आगे देवी मनसा का प्रकोप कुछ भी नहीं। आओ पुत्री। देखो पुत्री, यह है लव कक्ष।
इसमें नाग तो क्या, स्वयं शिव पुत्री मनसा भी नहीं प्रवेश कर सकती। विनय के अभाव से मूर्खता का ही भाव जागृत होता है। ये कक्ष तो मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए बनवाया है, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भक्ति की शक्ति का सामना कर वो तुम्हारे पति और मेरे पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकती। इसलिए पुत्री, भयभीत होकर उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। पिताजी, क्षमा चाहती हूँ, आपने अपनी पुत्री बनाया है इसीलिए कह रही हूँ। विश्वास किसी से भयभीत होकर या किसी के कह देने से उत्पन्न नहीं होता, और मैं भी ये नहीं चाहती कि उन्हें देवी रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी विवश हो। अभी तो मैं तो ये चाहती हूँ कि उनकी करुणा, उनके प्रताप, उनकी दिव्यता से प्रभावित हो, तभी आप अपना शीश उनके सामने झुकाएं। प्रिय, मुझे पता है कि तुम मेरे प्राणों के लिए चिंतित हो, किंतु यदि हमारा साथ नियत है तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि पिताजी के अटूट विश्वास को डिगाकर मेरे जीवन की कामना मत करो। नहीं स्वामी, नहीं, किसी को विवश करना ये मेरा स्वभाव नहीं, और आपके विरुद्ध जाऊं ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगी। मेरी आशा को निराशा में बदल दिया इसने, इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कर ली। पराजय नहीं माता, प्रथम प्रयास है जो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। किंतु अब पुत्री मनसा को वो करना ही होगा जो अनिवार्य है। अब क्यों रोक दिया उन्हें? जाने दो, करने दो उन्हें उनका कार्य। मुझे तो ज्ञात ही था कि मेरी बहू रानी को ही मिलेगी अंगूठी। अपने पति के दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? मेरे घर में महादेव को छोड़कर किसी की पूजा कैसे हो सकती है? मैं कल सुबह ही पुत्री बिहुला को शिव मंदिर ले जाऊंगा, और पुत्र लखिंदर के भांति उसे भी शिव भक्त बनाऊंगा। तब वो समझ जाएगी कि जो भी है एकमात्र मेरे प्रभु महादेव ही हैं। तो फिर वो मुझसे कभी ऐसा अनुचित निवेदन नहीं करेगी। जाओ, अपनी भाभी को उनके कक्ष में ले जाओ। स्वामी, चिंता मत करो प्रिय, मैं कुशल हूं, और आज के बाद हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी।
क्योंकि शिव पुत्री मनसा ने वचन दिया है। आज मैं अपने पुत्र लखिंदर की रक्षा कर मैं उन्हें अपने परिवार से दूर रहने पर विवश कर दूंगा। यही अवसर है पुत्री, अपने नागों को उनका कार्य करने दो। एक बार यदि वो लौ कक्ष में प्रवेश कर गए तो नाग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रतीक्षा क्यों कर रही हो पुत्री? नियति निर्धारित है, जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए मत रोको नागों को, उन्हें प्रवेश करने दो। नियति तो है, किंतु वो इतनी निष्ठुर और इतनी कठोर क्यों है? ये कैसे परीक्षा है मेरी? चंद्रधर को समझाने के लिए ये भी अनिवार्य है पुत्री। नागों को मत रोको पुत्री, उन्हें प्रवेश करने दो। पति यदि पास ना हो तो उसका क्या दुख होता है वो मुझे ज्ञात है, और यदि पति संसार छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होगी उसका भी मुझे अनुमान है। और बेहुला को मैं वो दुख दे दूं जिसे मुझ पर अटूट विश्वास है, जो मुझे अपना मार्गदर्शक समझती है और अपना रक्षक भी। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। इसके प्रति मैं इतनी कठोर नहीं बन सकती माता। विघ्नहर्ता गणेश शांत खड़े हैं, तो मैं ही पुत्री मनसा को समझाने का प्रयास करती हूँ। नियति का लिखा बदला नहीं जाता पुत्री, लखिंदर के भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। इसलिए जो होना है उसमें अपना भाग निभाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करो और संसार को देवी मनसा के आशीष का भागी बनाओ। दीदी मनसा, पिताश्री महादेव के अनुसार ये विवाह आपके देवी पद की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएगा। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। भी आ जाए आज भीतर नहीं आने दूंगा।
की रात्रि मेरे पुत्र तक तो क्या, मेरे घर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे ये सर्प। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। वो अंगूठी, अरे वो तो भूल से मेरे हाथ में पड़ गई थी। नहीं नहीं, उससे पहले माता के दर्शन के लिए आपने अनुमति दिलवाई और वो कंकड़ जो मेरे पाँव के नीचे आने वाला था और आपने चोट पत्नी को लगे या पति को, पीड़ा तो दोनों को ही होती है और तुम्हें कष्ट होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूं। आपको कोई पीड़ा हो ये तो मैं भी नहीं देख सकती। धन्यवाद, मैं अपने प्राण गवा दूंगा किंतु तुम तक कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसे अशुभ वचन मत बोलिए स्वामी, आपके प्राण सदैव सुरक्षित रहने चाहिए। चिंता ना करो देवी, यदि किसी सर्प ने ये अग्नि पार भी कर ली वो हमारे पुत्र के कक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। उस लौ की चादर को भेद कर तुम्हारे नाग अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? चंद्रधर ने नागों के प्रवेश के लिए तनिक भी स्थान नहीं छोड़ा। यदि आज मैंने अपनी भक्ति से अपने पुत्र की रक्षा कर ली, यदि विवाह की रात्रि उसका अंत नहीं हुआ तो आज के बाद आप मुझे दर्शन कभी नहीं देंगी। लाइए, मैं घाव पर लेप लगा दूं। अच्छा, तो जब मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो तुम ये लेप तैयार कर रही थी। कक्ष में ये छिद्र कैसे बन गया? सर्प? यहाँ तो कोई सर्प नहीं है। लगता है बारात लौट रही है। मैंने चंद्रधर जी को वचन दिया था कि उनके लौटने तक मैं सुरक्षित लौह कक्ष का निर्माण कर दूंगा। इस छिद्र को मैं लाख से भर देता हूं। पता नहीं माता, मैंने उचित किया है या अनुचित, पता नहीं क्यों उन दोनों के लिए बहुत दुख अनुभव हो रहा है। जीवन साथी यदि एक दूसरे की पीड़ा समझने लगे तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और भी गहरा हो जाता है।